झाड़ू पे, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। जितने दिल्ली में किराएदार रह रहे हैं उनका क्या कर रहा है यार? तुम जाओ सुनते जाओ, बात तो कर दो ना। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर कमला नगर मार्केट पे मैं मौजूद हूँ। कैसे उत्साह है? बहुत ज्यादा। क्यों? बस केजरीवाल चाहिए इस बार एमसीडी में। क्यों? एमसीडी में बीजेपी की, बीजेपी की भ्रष्टाचार हटाना है, केजरीवाल को लाना है। पक्का? पक्का। लेकिन जो तोहमतें लग रही है केजरीवाल जी, कोई बात नहीं हो तो सब पे लगती है, सब झूठे हैं। केजरीवाल सच्चे। ईडी और शराब शराब घोटाले पे सिसोदिया जी को, वो सब गलत है। वोट इस बार किस तरफ जाएगा? झाड़ू पे। झाड़ू पे? ये पैसों वाली भीड़ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। कहाँ से आए हैं? मलकागंज से। मलकागंज से आए? क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी कहाँ से आए हैं? मलकागंज। मलकागंज से ही आए हैं तो केजरीवाल जी क्यों आने चाहिए? काम अच्छा करते हैं। काम अच्छा कर रहे हैं? क्या काम अच्छा किया है? बहुत अच्छा कर रहा है। बस फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, बस फ्री आ रहा है आपका? जीरो बिल आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मगर जो लोग कह रहे हैं जीरो बिल तो आ ही नहीं रहा, इतना इतना बिल आ रहा है। जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, इस टाइम जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। राम देवी कहाँ से आई है? मलकागंज से। मलकागंज से आई है तो आपका भी जीरो आया है? जीरो बिल आया है। महिलाओं के लिए जो बोल रहे थे अभी, तो बीजेपी भी लगातार जो है महिलाओं के लिए इतने दावे वादे कर रही है, इतना काम किया है, नहीं करेगी कुछ भी नहीं। अभी अभी तक जो है निगम पार्षद मलकागंज में, मलकागंज रहते हैं ना, तो कितनी बार आए हैं बीजेपी के निगम पार्षद? एक बार भी नहीं। यही कभी भी नहीं आए तो इस बार? यानी बटन कहाँ दबेगा? झाड़ू पे। क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है। कहाँ से आए हैं? रघुवीर नगर से। रघुवीर नगर से आए हैं आप तो इस बार क्यों यहाँ पर भीड़ क्यों जुटी है, क्यों आए हैं यहाँ पे? लोगों को पता है सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे अच्छा काम करी इस पार्टियों से, ये सभी जानते हैं। कोई भी पार्टी का हो वोट अरविंद केजरीवाल को ही देंगे, झाड़ू पे बटन दबाएंगे, चाहे बीजेपी का हो, क्योंकि सभी को लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किया? बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सबों का एक गरीब आदमी के लिए बहुत मायने रखता है। और जो स्कूल 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 मॉडल बता रहे हैं, स्कूल मॉडल बताया गया तो, मगर अब जो है स्कूल मॉडल ध्वस्त बताए जा रहे हैं, वो सही नहीं है। स्कूल बहुत सारी बेकार की अफवाह जी है, केजरीवाल जी को बदनाम करने की। बीजेपी ने करा है क्या 5-15 साल में? कूड़ा कूड़ा करा, कूड़ा कूड़ा। केजरीवाल जी ने 15 साल में आके 7 साल में कूड़ा इतना साफ करा है कि पूछो मत। पानी की सुविधा, हर चीज की सुविधा कर रखी है जी केजरीवाल जी ने। क्या नाम है आपका? अशफाक अली जी। तो यहाँ पर खुशी जो लहर दौड़ी हुई है, क्यों दौड़ी हुई है? ये आम आदमी पार्टी की लहर है, अरविंद केजरीवाल जी की लहर है ये। क्यों क्यों लहर है? काम की जीत है ये, काम की लहर है। क्या काम किए हैं दिल्ली में? क्या काम नहीं हुआ? स्कूल है, मेडिकल का करा है, बच्चों का लिया करा है, सारा सुधारा है। अच्छा, जो स्कूल स्कूल मॉडल जो है वो तो बता रहे हैं भैया खराब है, एक तो स्कूलों में काम किया गया भाजपा। अरे नंबर वन स्कूल देखो, नंबर टू स्कूल देखो, नगर निगम के स्कूल। हाँ जी, नगर निगम और ये सरकारी स्कूल। नगर निगम तो हमारे पास नहीं है जी। नगर निगम तो उनके पास है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर नहीं आ रहे हैं। कौन? सारे टीचर है जी, हमारे सारे बच्चे पढ़ते उसी में। हाँ, हमारे पहले प्राइवेट में पढ़ते थे, हमने सारे सरकारी में पढ़ा रहे हैं, नंबर वन में हमारे सारे। सुविधा दी जा रही है? इतनी बहुत बेस्ट सुविधा है अरविंद केजरीवाल जी की। मोहल्ला क्लिनिक भी जो है बताया जा रहा है भैया, उसमें पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाइयाँ नहीं? सारी दवाइयाँ है जी, आप कोई सी भी दवाई ले लो आप मेडिकल से आ जाए, बिल्कुल बेस्ट। कहाँ रहते हैं आप? ये शक्ति नगर में सिंदौरा कला, यहाँ पे है मोहल्ला क्लिनिक, सिंदौरा कला के अंदर है। देखो आप खाने जाते हैं? हाँ, सारे बच्चे जाते हैं हम दवाई लेने। कैमरे के आगे बोल दे रहे हैं। अरे मैडम जी आप हमारे साथ चलो, हम सुंदर कला का आपको दिखाएंगे और आप एक बार मोहल्ला क्लिनिक देखना, वहाँ पर इतनी सुविधा है, बहुत सुविधा है, आप जाके देखो तो वहाँ पर। क्या नाम है आपका? खुशहाल। तो तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में? नहीं, प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ, केजरीवाल की, केजरीवाल जी की तरह। प्राइवेट में पढ़ रहे हो? केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? EWS कोटे से पढ़ रहे हैं ना? लेकिन अच्छा, वहाँ पे जो प्राइवेट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो पढ़ाई कैसा है? वहाँ तो अच्छी ही होती है ना? अच्छी पैसा होती तो अच्छा अच्छा पढ़ाया भी जाएगा। हाँ। आप दिल्ली सरकार के स्कूल देखो, नंबर वन स्कूल हमारा है, सबसे नंबर वन। आप उस स्कूल को देखो, उसके अंदर बच्चों को हर चीज की सुविधा है, टीचर भी है सारे स्कूल में, बच्चों को जो जो पहले खेलने का सामान नहीं था आज वो कंप्यूटर है, बच्चों को सारी सुविधा दी जा रही है। वोट किसकी तरफ जाएगा? आम आदमी पार्टी।
आम आदमी पार्टी। जो मुस्लिम तबका में उसकी बात करूँ तो मुस्लिम तबका इस बार किसकी वोट जाएगा? मुस्लिम तबका भी आम आदमी पार्टी को वोट देगा, आम आदमी पार्टी को। ओवैसी भी खड़े हुए हैं मैदान में। ओवैसी जी तो खड़े हुए, तो वो तो खड़े होते हर बार खड़े होते हैं। ओवैसी जी तो हर बार खड़े होते हैं, यहाँ तो खड़े नहीं होते, इस चुनाव में तो खड़े नहीं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। भैया बिगुल बजा दिया है उन्होंने वहाँ ओखला में आए तो डंका बजाया, कुछ भी बजाया जी, हर जगह केजरीवाल जी है, यहाँ भी केजरीवाल जी और गुजरात में भी केजरीवाल जी पक्का, गुजरात में भी केजरीवाल जी आएंगे पक्का। मेरा नाम चंद्र प्रकाश उपाध्याय है, मैं 69 वार्ड का वार्ड अध्यक्ष भी हूँ और आम आदमी पार्टी का मेरी बहन किरण गुप्ता सेठी है वो वार्ड यहाँ के प्रत्याशी है। बताइए केजरीवाल क्यों होने चाहिए? केजरीवाल साहब सफाई करेंगे और कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाएंगे, जो भ्रष्टाचार है लिंटर माफिया उसको खत्म करने का कार्य करेंगे और दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रह्मदेव त्यागी जी, बुराड़ी वाले। कहाँ से आए हैं? मैं ये कह रहा हूँ जितने दिल्ली में किराएदार रह रहे हैं उनका क्या कर रहा है, वोट में नहीं देते? वोट में भी तो देते है ना, किराएदारों का क्या कर रहा है फायदा इन्होंने केजरीवाल ने? अच्छा आप केजरीवाल को वोट रहे हैं? नहीं आगे तक कोई वोट नहीं देगा जो केजरीवाल नहीं कोई वोट नहीं देता। जल का प्रबंधन अरे मैं जितने दिल्ली में किराएदार है उनके लिए कुछ नहीं करा किराएदार की आप बात कर रहे हैं लेकिन हाँ। ये तो बता रहे हैं कि भैया स्कूल मॉडल बनाया इतना बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक दिया है। मैं स्कूल की बात नहीं करता, स्कूलों की बात नहीं करेंगे। जिन्होंने जो गरीब आदमी किराए पर रह रहे हैं उनका क्या फायदा पूछा है? भाजपा ने एमसीडी में 15 साल से क्या किया है? भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने तो सारा कर दिया, सब क्या सारा कर दिया, कर दिया, क्या सारा कर दिया? छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ मेरा मकान टोंडा सिटी में भी है, लोनी बॉर्डर 8 लाइन का रोड बन रहा सदा मैं यहाँ भी रहता हूँ राजपुर में। राजपुर में मुझे ये बताइए भाजपा के कोई एक काम बता दीजिए एमसीडी में 15 साल से भाजपा है क्या काम किया है? भाजपा ने बहुत बढ़िया काम कर सारे पूर्व आप भारत को भी बढ़िया कर रहा चला रहा है बढ़िया कर बहुत बढ़िया है। तो आप ये देख सकते हैं तमाम जनता है ये भाजपा के वोटर है सपोर्टर भी है। मैं इनका जवाब देना चाहूँगा, बता नहीं पा रहे आप भाजपा का एक काम नहीं बता पा रहे। एक काम क्या भाजपा का एक काम? सुन लो यार तुम जाओ सुन तो जाओ बात तो कर दो ना, बात कर दो। भाजपा का एक काम नहीं बता रहा आप। भाजपाई ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एमसीडी की बात कर रही हूँ। भाजपा ने क्या काम किया? एमसीडी में इसने इसने बढ़िया ना करा, इन्हें नावा दिया, नावा कहाँ गया हूँ? जो तंत्र था नावा निकलवा नावा कहीं पता नहीं कहाँ गया। एमसीडी की मैं बात कर रही हूँ आप बता नहीं पा रहे, एक काम नहीं गिरा पा रहे हैं भाजपा का। नहीं भाजपा ही हम भाजपा के भाजपा बहुत बढ़िया काम आप तो भक्त लग रहे हैं मुझे, भक्त लग रहे हैं आप मुझे। सुना मैं सुनो एक मिनट, अरे मैं खून चलो एमसीडी का गरीब आदमी का भला नहीं करना चाहिए, गरीब का भला करना चाहिए। एमसीडी का एक काम बता दो। अरे सुन तो जाओ, अरे मुल्ला जी सुन जाओ, सुन जाओ ना आप बताओ एक काम। मैं ये कह रहा हूँ ना काम पूछ रहे हैं ये ना, अरे बात सुनो जाओ। आप देख सकते हैं आपसी बहस हो चुकी है यहाँ पर, एक काम नहीं बताया आपने मगर अभी तक। भाजपा का एक काम नहीं गिना पाए,
बताएंगे? 15 साल में एक काम भी नहीं बता के गए ना, इसलिए कोई करा ही नहीं काम, कोई बताएंगे क्या? भाजपा वाले अपने काम नहीं बता पा रहे, भाजपा वालों को ये नहीं पता अपने काम क्या है। एक काम पूछा मैंने उनसे, तो बताओ ना, बताएंगे काम क्या किया भाजपा ने आज तक? एमसीडी में कोई काम किया ही नहीं बताएंगे। हमारे हमारे क्या काम किया उनको ये नहीं पता आज तक? भाजपा ने क्या काम किया अपने एमसीडी में? बच्चे से पूछ लो यार, उनके नेता नहीं बचा पा रहे, ये क्या बताएंगे बेचारे? ध्वस्त हो गया है भाजपा, बिल्कुल खत्म है, एमसीडी में खत्म है, आम आदमी पार्टी आ रही है। मैं बताऊँ जो उन्होंने करे हैं, नंबर वन भ्रष्टाचार बढ़ाया एमसीडी ने, हाँ काम गिना रहा हूँ ना उनके। नंबर एक पे भ्रष्टाचार बढ़ाया, नंबर दो पे गंदगी बढ़ाई, माफिया के नाम से जानते हैं। हाँ जी, अगर लैंडर डालने से पहले आ जाता पैसे लेने, ये कमाइयों के पूछ लो, कमाई कितनी है, एक लैंडर पे कितने पैसे, 1000 निकलने पे 5 लाख, ये एक लैंडर पे इतने पैसे, ये चीज कितने इसमें कितना पैसा लेना है, इस चीज का पैसा। लेकिन केजरीवाल जी पे भी वही तोहमतें लग रही है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को निकाल दिया है 1000, कहीं नहीं निकाला, कहीं नहीं निकाला, निकाल दिया है, धरना कर रही थी, प्रदर्शन कर रही है, वो तो तनख्वाह बढ़ाने के लिए कर रही है, तनख्वाह बढ़ाने के लिए निकाल दिया उन्हें, नहीं निकाला किसी को, वर्कर्स को निकालना बहुत बड़ी बात है, और कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको पक्का नहीं किया है, पक्का है, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? हाँ जी, मैं सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे है। हाँ जी, पक्का नहीं हुआ अभी तक, कब से जॉब कर रहे हैं? हाँ जी, कब से कर रहे हैं? मेरे को करीब 2 साल हो गए हैं। 2 साल? हाँ जी, 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब पक्का नहीं हो रहा है? पक्का क्यों ना, करेगी सरकार तो कर देंगे हम, किसी जमा नहीं हुए हैं भाई। अरे सरकार करेगी तो हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे अभी तक कॉन्ट्रैक्चुअल जो थे वो अभी तक पक्के नहीं किए केजरीवाल जी ने। सीएम साहब अभी आपके सामने बोल के गए, सीएम साहब ने आपके सामने बोला है ना, क्या इस बार अगर एमसीडी में बोलने से नहीं, जो हुआ ही नहीं है, आंगनबाड़ी की वर्कर्स जो है इतने टाइम से, हमारी सरकार जो आए अभी अभी देखिए, आप तमाम जनता से मैंने बात करवाई, क्या नाम है आपका? क्या थोड़ा खुल के, हाँ जी पीछे पीछे थोड़ा खुल के भाई, थोड़ा, क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। तो यहाँ से निगम पार्षद खड़ी हुई है? हाँ जी। तो क्या कुछ जो है मसला हो रहा है भैया, क्या मुद्दे हैं जो लेकर के आप लोगों को जीतना जीतेंगे आप लोग? पक्का विश्वास है, 200% विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी और पूरी विजय के बहुमत के साथ जीतेगी। 15 साल से एमसीडी में उसी की सरकार है, यानी कि भाजपा की, आपको लगता है कि अब जो है आपको मौका मिलेगा? पक्का दे रही है और जनता दे रही है मौका, या कभी कैंडिडेट या मुख्यमंत्री नहीं देता, पूरी जनता इस बात को मान चुकी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है। तो कैसे बनेगी? हम जीत के आएंगे, जिता के लेके आएगी जनता। काम है, काम है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, शराब के ठेके खोल पा दिए, महिलाएं त्रस्त हो चुकी हैं कि उनके पति शराब पी कर आते हैं। कोई कोई महिला त्रस्त नहीं है, सब भ्रम फैलाया जा रहा है, सब महिला खुश है, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, बस में यात्रा फ्री हो, सब खुश है, सब सब खुश है, सब भाजपा वाले कह रहे सब नहीं जिताएंगे, इन्होंने कसम खाई है कि इनकी कॉलर पकड़ देना अगर इस बार अगर आम आदमी पार्टी सड़कें ना बनवाए, और आम आदमी पार्टी इसी बार हमारे शहर में आएगी एमसीडी में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में पढ़ते हो? इतना राजनीति में इतना इंटरेस्ट कैसे आया? जी हमें इतने साल से इंटरेस्ट नहीं था, इस बार हमारी गुड्डी ताई और हमारी तरफ से हमारी एक हमारे मोहल्ले की बहू लगती है जगह की, और इस बार हम इन्हें जिताएंगे और अपनी सड़कें अपने हर काम करेंगे। भाजपा ने आज तक 15 साल में क्या करो, शराब के ठेके चले और अपने अपना राज जमायो, क्यों पड़ा हुआ चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, कोई नहीं है। आप देख सकते हैं 10 साल 10वीं में पढ़ने वाला ये छात्र है और किस तरीके से राजनीति में इसके कौन लोग हैं? कोई नहीं है टक्कर में, टक्कर में भाई, मुझे तो बख्श दो, मुझे तो बख्श दो कम से कम। आप देख सकते हैं तमाम महिलाओं में उत्साह।
लोगों ने अमूल की डेयरिया बना बना के पब्लिक कूड़ा कहाँ फेंके। मियाँ बीवी गरीब इंसान होता है। मैं दक्षिणपुरी विधानसभा से वार्ड नंबर 164 से हूँ। हमारे यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? हमारे यहाँ पर लोग आ रहे थे, इसलिए कुछ लोग रह गए, हम दो तीन जने रह गए थे। अब जा रहे, वोट किसकी तरफ जाएगा आपका? हमारा तो झाड़ू की तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा पहले कांग्रेस में जाता था, देख ली कांग्रेस सरकार भी आज भी ऐसी है और रहेगी भी ऐसी। तो वोट झाड़ू को जाएगा? हम दिल्ली शहर में जब से आए हैं और रह रहे हैं, हम इंदिरा के बसाए हुए कॉलोनी के रहने वाले, इंदिरा के बसाए हुए कॉलोनी के रहने वाले, और आज तक बीजेपी ने 15 साल में 15 काम करके नहीं दिखाए, और केजरीवाल ने जो काम करके दिखाए वो आज बीजेपी अगर कर ली थी तो केजरीवाल हट जाते तो बीजेपी आ जाती। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप, तमाम जनता जो है बीजेपी के कार्य बता रही है कि एक काम नहीं किया है बीजेपी ने। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, लेकिन एक काम नहीं किया है, ना कचरा उठाने का, ना सफाई का, ना किसी स्कूल और नगर निगम के स्कूलों की हालात में बता दूं तो अभी यही जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, यही जनता लगातार जो आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, झूमते हुए देख रहे हैं, ये केजरीवाल जी की रैली में मेगा रोड शो निकला हुआ है। और आप देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी का एक ही तरफ वोट है, वो कह रहे हैं भैया इस बार जो है एमसीडी में झाड़ू चलेगी। तो अब तो ये आने वाला टाइम बताएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 4 तारीख को वोटिंग होगी, किसकी चलेगी झाड़ू, किसका खिलेगा फूल, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। भूल ना जाना और देना 4 तारीख को वोट। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में, पूजा, कमला नगर, दिल्ली।